हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं घिया चना सब्जी। आप चाहें तो इसको घिये की दाल भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने यहाँ पे इसमें ऑनियन गार्लिक का यूज लिया है। आप चाहें तो इसको हींग जीरे में भी बना सकते हैं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घिया चना दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी दाल 2-3 घंटे पहले धोकर के अच्छे से भिगो दी थी। देखिए, बहुत अच्छे से दाल भीग चुकी है। एक मीडियम साइज का हमने घिया धोकर के कट कर लिया है। 4-5 कली लहसुन की मैंने बारीक कट कर ली है। एक मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, तेज पत्ते, दालचीनी, 2 लौंग, जीरा और राई ये हमने बघार के लिए यूज में लिया है। आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुकर में रिफाइंड ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी या बटर का भी यूज में ले सकते हैं। आज हम इसको ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज में लिया है। अब देखिए, हम इसमें तेल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें सारे खड़े मसाले डाल दूंगी। फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। सबसे पहले मैं लहसुन डाल दूंगी। देखिए, मैं लहसुन डाल दिया है। प्याज भी डाल देंगे। और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज और लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें चने की दाल डाल देंगे। मैंने इसका पानी निकाल दिया है और चना दाल इसमें डाल दी है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। घिया भी डाल देंगे। घी और चने की दाल को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर। अब मसालों को भी अच्छे से पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दाल वाला ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने दाल धोकर के भिगोई थी, तो जो भीगा हुआ दाल का पानी है वो ही मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया है। हमने पानी यहाँ बहुत ज्यादा नहीं डाला है। अब हम इसमें एक सीटी ले लेंगे। मैं कुकर का ढक्कन लगा दे रही हूँ और सीटी आने पे हम गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। देखिए, मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें एक नींबू भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए फ्रेंड्स, घिया चना सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप जब चाहें बना सकते हैं। आइए सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने घिया चना सब्जी को सर्व कर दिया है। लुकिंग में बहुत ही बढ़िया लग रही है। अब आप जब चाहें जब बनाएं, टेस्ट करें और अपने कमेंट हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।